क्वेश्चन नंबर 22 ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स व्हेन एल इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाय थ्री इफ इंसटेड सी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाय थ्री बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज तो बेसिकली बेटा जी एलसीआर सर्किट है एलसीआर सर्किट में पहले हमने एल को रिमूव किया तो फेज डिफरेंस पाई बाय 3 आ गया देन फिर हमने रिमूव किया c को तो फेज डिफरेंस पाई बाय थ्री आ गया देन हमें पावर फैक्टर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या है वी नो जो पावर फैक्टर होता है वो कॉस phi को बोलते हैं ठीक है दिस वी वांट टू फाइंड आउट एंड हमें पता है कि जो lcr सर्किट होता है उसके अंदर इस ये आर होता है इधर एक्सएल होता है इस तरफ XC होता है, है जिसमें ये फाइव होता है हम इसको कहते हैं एक्सएल माइनस एक्सी ये हो गया आर ठीक है तो बेसिकली अगर मुझे पावर फैक्टर चाहिए तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मेरे पास फाइव की वैल्यू आ जाए तो जो हमारे पास गिवन डाटा है पहले हम उससे फाइव की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बेटा तो इस ट्रैंगल में देखो आप ए बी सी में तो अगर मैं एबीसी ट्रैंगल में से टैन फाइव निकाल फर्स्ट टर्म कि जो टैन फाइव होता है तो वो आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर की ये प्रपेंडिकुलर है ये बेस है तो ये हमारी एक कॉमन वैल्यू आ गई जो दोनों कंडीशन में हम यूज करेंगे ठीक है तब देखो कंडीशन फर्स्ट ये वन को मैं हटा देता हूं कंडीशन फर्स्ट में ये बोला गया है कि एल को हमने रिमूव कर दिया तो एल को अगर रिमूव कर दिया तो हमारा टेन फाइव क्या रह जाएगा ये तो रिमूव हो गया हमारे पास एक्सी बटा आर बचा ठीक है तो अगर मेरे पास सिर्फ एक्सी बटा आर है तो फिर हम यहां से देखेंगे कि अब एल रिमूव करने पे फाइव इन्होंने कह दिया फाइव बाई थ्री है इट मीन एक्सी बाई आर इज इक्वल टू टेन फाइव की वैल्यू लिख लेंगे पाई बाई थ्री, और टेन पाई बाई थ्री होता है रूट थ्री. तो हेंस वी गेट जो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी है उससे हमें ये मिल गया अब सेकंड कंडीशन से देखते हैं हम सेकेंड में उन्होंने कहा है कि सी को रिमूव कर दो अगर सी रिमूव हो गया तो टेन फाइव की वैल्यू आ जाएगी एक्सी बाई आर और C को रिमूव करने से इन्होंने कहा है कि जो फेज डिफरेंस है वो अगेन बाई थ्री है तो अगेन हमारे पास C को रिमूव करने से XL आएगा तो एक्सएल बाय आर की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट थ्री तो एक्सएल इज इक्वल टू रूट थ्री आर दोनों ही कंडीशन में यानी एक्सी और एक्सेल दोनों सेम आए हैं बेटा हमारे पास ठीक है अब ये जो कंडीशन है हमारी इसको स्टार कह देते हैं तो अगर हमारे पास एक्सी और एक्सेल सेम है तो ये तो रेजोनेंस कंडीशन होगी ठीक है तो हमें रेजोनेंस पे पता है कि करंट मैक्सिमम होता है फिलहाल हमें पावर फैक्टर चाहिए तो स्टार इक्वेशन में हम दोनों को पुट कर देंगे तो जब स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे एक्सल और एक्सी सेम है तो जीरो आ गए तो इट मीन फाइव की वैल्यू जीरो आ गई और यही हमें पावर फैक्टर के लिए फाइव की वैल्यू चाहिए थी तो हैंस हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा वन क्योंकि कॉस जीरो वन होता है सो आंसर इज सेकेंड थैंक यू